हाँ जी, नज़ारे तो देखे होंगे हॉट पॉट के। तो पहली आइटम ये है जी प्रॉन्स, और उसके साथ आ रहे हैं ये ग्रीन ऑनियंस, और तीसरी आइटम चिकन। अभी हमने तकरीबन ये सारा जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया, प्रॉन्स चिकन ऑनियंस, साथ ये नूडल्स वगैरह सब कुछ डाल दिया, और साथ में हमने ये मंगवाया हुआ था चिली ऑयल। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हारिस और माखा, और आपका भाई एक बार फिर से मौजूद है नोबू रेस्टोरेंट। तो ये पीछे एक मैडम खड़ी होंगी, हाँ ये इन्होंने फुल इंसिस्ट किया हुआ था, इनका फंसा हुआ था कि नोबू की नई डिश आई है हॉट पॉट, तो ये लाजमी ट्राई करना है। तो आई थिंक ये कराची में भी काफ़ी चल रही होती। तो बेसिकली ये चाइनीज़ और कोरियन टाइप फूड है, समझे कि आपने सूप अपने टेबल पर ही खुद से पकाना है और उसे खाना है। तो इसमें ये होता है कि टेबल पे ही आपकी इस तरह यखनी आती है, और जो चीज़ें होती हैं कुछ प्रॉन्स चिकन मशरूम्स वेजिटेबल्स नूडल्स, वो आपकी मर्ज़ी के ही आते हैं जो आप ऑर्डर करते हैं, और उसी टाइम आप टेबल पे बैठ के उसे पकाते हैं और उधर खाते हैं। तो अभी सुबह के आई थिंक कोई 1 बज रहे, तो इस टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया कि शाम के टाइम इधर काफ़ी रश लगा होता है, तो इस टाइम आऊँगा और थोड़े नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ साथ ये हॉट पॉट मैंने भी ट्राई नहीं किया हुआ, तो ये ट्राई करूँगा और इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो चलें। अच्छा, ये इनका हॉट पॉट का मेन्यू है, इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 2 पर्सन सर्विंग है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि यखनी आपने स्पाइसी लेनी है या नॉर्मल जो क्लियर होती है। प्रोटीन्स में इन्होंने चिकन भी, प्रॉन फिश क्रैब स्क्विड्स नूडल्स काफ़ी किस्म की हैं, फिर वेजिटेबल्स आ गई, और ये टोफू चिली ऑयल डम्पलिंग्स फ्लां फ्लां फ्लां। तो जो हमने डिसाइड किया वो है स्पाइसी ब्रॉथ, और प्रोटीन्स में चिकन एंड प्रॉन्स। नूडल्स में हम ट्राई करेंगे राइस नूडल्स, ये मैंने पहले नहीं ट्राई की, ये भी मैं ट्राई करूँगा, और वेजिटेबल्स में ग्रीन ऑनियन मशरूम्स वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं ट्राई कर रहे, और अदर्स के अंदर हम ले रहे हैं चिली ऑयल और डम्पलिंग्स भी मैं पहली बार ट्राई करने लगी। तो ये हमारा हॉट पॉट का मेन्यू है। हाँ जी, नज़ारे तो देखे होंगे हॉट पॉट के। तो पहली आइटम ये है जी प्रॉन्स, और उसके साथ आ रहे हैं ये ग्रीन ऑनियंस, और तीसरी आइटम चिकन, और चौथी आइटम है ये डम्पलिंग्स, नॉट डम्पलिंग्स, ये डम्पलिंग्स है, और साथ में है ये कौन से राइस थे, राइस नूडल्स है, ये है जी राइस नूडल्स। अभी हमने तकरीबन ये सारा जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया, प्रॉन्स चिकन ऑनियंस, साथ ये नूडल्स वगैरह सब कुछ डाल दिया, और साथ में हमने मंगवाई थी चिली ऑयल। तो सूप हमारा रेडी हो रहा है, उन्होंने कहा है कि चिकन और प्रॉन्स को ना पहले ये 5 मिनट पक रहे आग चलने के बाद, उसके बाद इन्हें 5-5 मिनट के लिए आपने पकाना है, और आपका सूप जो है वो रेडी हो गया। आ हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबुएँ निकल गई। अच्छा, ये मैंने पहले भी खाया हुआ था, बड़ा मज़ेदार लग रहा है देखने में। किस तरह की शेप लग रही है अभी, वो होते नहीं वो दांतों में वो जो रखते हैं क्या उन्हें कहते हैं, वो जो फेक दांत होते हैं बेचारे जो लोग रखते हैं उसके दांत। अच्छा, चिकन की लेयर भी मैं दिखाता हूँ कि ऐसे फुल पतली सी है, ठीक है, कि यानी कि आप समझ लें कि ये जल्दी पक जाती है, और जो प्रॉन भी है ना उसे इन्होंने फुल खोल के रखा हो। हम्म,
साथ ऑनियन की कटिंग डालनी। माशाल्लाह मुँह में फुल पानी आ रहा है। हाँ जी पक गए हो गए, खोलते हैं अब अपना। ओहो हो हो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे साइड पर, माशाल्लाह 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 से ये अपना है बाउल, और अब इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा ट्राई फ्रॉम, ठीक है दाल। ये चेक करें, ये अपना पाउन है, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, चेक करते हैं। यार क्या मज़ेदार टेस्ट आया। अब अपना ये सूप भी ट्राई करते हैं, साथ में थोड़ी सी नूडल। अभी मैं कैमरे के पास नहीं लेके आ रहा, इतना हमें घिरना चाहिए। और साथ है चिकन और ऑनियन। यार सूप से काफ़ी डिफरेंट है, इस तरह का लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा ना देसी टच है, बड़ा मज़ेदार है। यानी कि हम जैसे लोग आके इजीली ये खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। मुझे तो अभी तक बहुत मज़ेदार लगा। अब ये सूप के साथ आ रही है जी प्रॉन। यार मुझे तो मज़ा आ गया, मुझे एक डम्पलिंग चाहिए। वो किधर है? इसको खाली चिली ऑयल के साथ भी ट्राई करना। अब अपनी डम्पलिंग ट्राई होने लगी। ओ हो 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 हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा है। डम्पलिंग को इसी तरह ले, अभी फुल गर्म है, हिम्मत नहीं पड़ी है, कोई सीन ना लग गया अभी तो। चेक करें माशाल्लाह। कर दें फिर ट्राई। यार क्या मज़ेदार टेस्ट है, इस तरह लग रहा है कि जैसे ना वो एक छोटी सी रोटी है और वो अब सूप के अंदर ना फुल घुल मिल गई है, और अंदर कबाब कबाब जैसा टेस्ट है। अब पता नहीं ये डम्पलिंग चाइनीज़ है या जैपनीज़ है, कौन सी डिश है, लेकिन अपना तो देसी निज़ाम ऑन हुआ पड़ा है कि भाई क्या कबाब वाला टेस्ट है। ये चेक करें, ये कीमा नज़र आ रहा होगा आपको। यार मज़ा आ गया, हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड भाई, बहुत मज़ा आ गया। अच्छा जी ये आई है अपनी डम्पलिंग, थोड़ी सी खुल गई है बेचारी, और ये रहा चिली ऑयल, ये थोड़ा सा इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है चेक करें माशा। और अब इसे आपका भाई खा के दिखा। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपना हॉट पॉट का मिशन भी कंप्लीट हो गया है, और रिव्यूज़ इस तरह हैं कि अगर आप मंगवाते हैं स्पाइसी इनकी यखनी तो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन उसमें नमक काफ़ी तेज़ होता है। और मुझे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ा आया, फ़र्स्ट ट्राई थी, फ़र्स्ट टाइम हॉट पॉट ट्राई कर रहा था, और मेरे ख्याल से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी तो खाना इनका अच्छा है ही, लेकिन यह हॉट पॉट भी हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप आके इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा एक सीन ये था कि अगर आपकी यखनी ख़त्म हो जाती है तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको थोड़ी सी मिल भी जाएगी, थोड़ी है या ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं मंगवाई, यानी कि जिसे कहते हैं ग्रेवी आपको मिल देगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा देसी टच टाइप सा था, यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि यार पता नहीं किस तरह की चीज़ होगी, और बंदा सोच रहा होता है कि यार क्या निकलेगा, लेकिन बहुत मज़ेदार सीन। और मैं भी था इनकी गुलबर्ग वाली ब्रांच पे, नोवू गुलबर्ग। आप लोग लाजमी आओ, ट्राई करो इसे,
और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हॉट पॉट ट्राई करो।